तो वहीं जोधपुर के सरदारपुरा में एक प्रतिष्ठित परिवार शुक्रवार रात जहर खुराने का शिकार हो गया। इस परिवार के घर में काम करने वाले नेपाल मूल के पति पत्नी ने लूट के इरादे से घर के चार सदस्यों को सूप में जहरीला पदार्थ पिला दिया, लेकिन एक सदस्य के सूप नहीं पीने से उनकी योजना धरी की धरी रह गई। चार सदस्यों की तबीयत खराब होने पर देर रात उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी तबीयत खतरे से बाहर है। तो वहीं आरोपी पति पत्नी इस पूरी घटना के बाद से ही फरार है। सूप पीने के बाद सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ना यहां पर शुरू हो गया। उनकी तबीयत खराब होते ही आरोपी पति पत्नी वहां से रफूचक्कर हो गए। पुलिस का कहना है कि दोनों का मोबाइल भी बंद आ रहा है। फिलहाल सभी की तबीयत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से तफ्तीश में जुट गई है। सुबह हमें इत्तला मिली थी कि सरदारपुरा थाना हल्के में एक नामी फैमिली के परिजनों को उनके नेपाली दंपति जो नौकर हैं उनके द्वारा जहर खुरानी या जहर देकर मारने का प्रयास किया गया है या और कोई अन्य अपराध करने का प्रयास किया गया है। नेपाली दंपति अपना मोबाइल बंद करके रात से ही फरार हैं। सुबह हमें सूचना मिली थी और जो चार जने जो उसके जहर खुरानी के शिकार हुए हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी लगभग स्वस्थ हैं। एक दो दिनों के थोड़े से ज़्यादा बीमार हैं लेकिन बातचीत कर रहे हैं और जो नेपाली दंपति फरार है उसकी तलाश के लिए हमने टीमें लगाई हैं।